राज्य में आस्था व्यक्त करते हुए जनता दल की संस्था हम लोग उसका हृदय ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग जीते थे, इस बार मुझे उम्मीद है जिस ढंग का माहौल पूरे बिहार में है, हम लोग सभी 40 सीटें जीतेंगे, सभी लोग मिलकर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। ये तस्वीरें देखिए, जेडीयू कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर जेडीयू के बड़े नेता अशोक चौधरी हों, विजय चौधरी हों, उमेश कुशवाहा हों, संजय झा हों, सब नजर आ रहे हैं। और इन्हीं सब लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं सिवान वाले रमेश कुशवाहा, जो कि पूर्व विधायक हैं, और साथ में बगल में बैठी हुई उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी भी है। आज ही उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया है और कहा जा रहा है कि सिवान से जो है वो चुनाव जो है वो लड़ेंगी विजय लक्ष्मी, जो कि रमेश कुशवाहा, जो कि रमेश कुशवाहा की पत्नी है विजय लक्ष्मी। दरअसल आपको बता दें कि इस बार सीएम नीतीश कुमार ने मौजूदा सांसद जेडीयू की जो है वो कविता सिंह, उनका पत्ता जो है वो काट दिया है और इस बार सिवान से चुनावी रण में उतरने जा रही है विजय लक्ष्मी कुशवाहा। माननीय मंत्री और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, पूर्व मंत्री और राज्यसभा सदस्य जनता दल यू के संजय नेता संजय गांधी और मंच पर उपस्थित साथियों, हमारी धर्मपत्नी विजयालक्ष्मी महाजी, आज हम दोनों व्यक्ति नेता बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने आस्था व्यक्त करते हुए जनता दल यू की संस्था हम लोग उसका हृदय ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी को यहाँ मीडिया के जो साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें बात सामते हैं। हम अभी कुछ देर पहले तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है उसके हम प्रदेश अध्यक्ष थे और ये सभी लोग एनडीए के हिस्सा हैं, चाहे जनता दल यू, माननीय चिराग पासवान जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, ये सभी भाजपा, ये सभी लोग एक एनडीए यहाँ बना हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर और उसी का पार्ट जनता दल यू हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि मौजूदा जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है बिहार में, पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में 39 सीटें हम लोग जीते थे, इस बार मुझे उम्मीद है जिस ढंग का माहौल पूरे बिहार में है, हम लोग सभी 40 सीटें जीतेंगे, सभी लोग मिलकर। इसलिए एनडीए के सभी राष्ट्रीय नेताओं के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति और यहाँ बिहार के जो भी एनडीए के घटक दल है उसके क्षेत्रीय जो नेता है, उन तमाम नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए एनडीए को मजबूत करने का मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ।